सो हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बेलगाम। आज मैं बेलगाम सिटी में हूँ और इस शहर को बहुत सारे लोग बेलगाम भी कहते हैं और कहीं लोग बेलगावी भी कहते हैं, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, उन सब के दिल में इस शहर के लिए बेशुमार प्यार है। आज साल का पहला दिन है, मतलब 2021 का पहला दिन है, 1st of Jan। तो आप सबको मेरी तरफ से विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो आज बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो बेलगाम सिटी ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और आज जो मैं कुछ हूँ, दिल से कहता हूँ कि बेलगाम सिटी और यहाँ के लोगों की वजह से हूँ। तो इस नए साल पे मैंने सोचा क्यों ना अपने सिटी के नीडी लोगों के लिए कुछ किया जाए। तो मैं निकल पड़ा हूँ उन लोगों के लिए कुछ सरप्राइज बैग्स लेके। इस वीडियो में हम लोग फेस टू फेस बात नहीं करेंगे क्योंकि मेरा चेहरा दिखाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस वीडियो में, लेकिन उन लोगों का चेहरा ज़रूर मैं दिखाना चाहूँगा जिन पे हल्की सी खुशी लाने की इस नए साल पे मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो बस ढूंढते उन स्पेशल लोगों को और थोड़ी सी खुशियाँ बांटते हैं। सुबह के 7:30-8 बज चुके हैं और बेलगाम में भी बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो मुझे लगता है थोड़े कपड़े देना भी बहुत ही अच्छा रहेगा। सो यहाँ पे एक दीदी है, एक मिनट दीदी, हैप्पी न्यू ईयर। तुमसे साड़ी थोड़ा का गिफ्ट है, मुले आया ना घरे, छोटा बच्चा है, लड़की है कि लड़का है? लड़की है। ये लो आपके बच्चे के लिए मेरी तरफ से, हाँ हैप्पी न्यू ईयर। डेली सुबह निकलते काम को इतना जल्दी, हाँ 5 बजे निकलते हैं, ठीक है उसको दे दो, हाँ मेरी तरफ से थैंक यू। यहाँ पे कोई आंटी दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए कुछ देना ठीक रहेगा। एक सेकेंड, ट्रैफिक जाम भी हो गया है, घूम के चलते अपन। आंटी रुकिए, घर पे बच्चे हैं? बच्चे हैं, छोटे हैं, बेटी है कि बेटा है? दो पोते हैं। पोते हैं, कपड़ा है देता हूँ न्यू ईयर के लिए, ये लो ये पोते के लिए, और एक है ये भी पोते के लिए, ठीक है हैप्पी न्यू ईयर। एक स्वीट है, ये मिठाई भी, ठीक है नया साल है पहना उनको, हाँ ठीक, बहुत दुआ है आपको। थैंक यू थैंक। चलो आंटी खुश हो गई। तो बस अच्छा लगता है यार छोटी छोटी खुशियां बांटने में। हेलो आंटी, हाँ हैप्पी न्यू ईयर, थोड़े कपड़े हैं और स्वीट है, हाँ नमस्कार, बस शुभेच्छा निमगे, हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा हिंदी आता है? हाँ कौन सा गांव से? कारवार से। क्या करते हैं इधर? भगवान के पास बैठने का। हाँ हाँ आपके लिए कुछ है मेरे पास, आज नया साल है तो थोड़ा कपड़ा है, ठीक है ये। हाँ क्या हुआ? एक ही कपड़ा है तो आपके लिए मैं 2 जोड़ी देता हूँ, ये एक और ये एक, ठीक है नया साल के ऊपर पहनना आज, भगवान अच्छा कर दे। ओके थैंक यू थैंक यू। हाँ बेटे को पहनाओ, ठीक है नया साल पे, हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने सिटी को सुबह सुबह क्लीन रखने के लिए सुबह उठ के 5 बजे मेहनत करते हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ करना अच्छा लगता है दिल से। और हम ज़्यादा क्या कर सकते हैं, बस हल्की सी कोशिश कर रहे हैं, बस उससे उनके चेहरे पे जो खुशी आ रही है वो देख के अच्छा फील होता है। यहाँ पे अगर छोटे छोटे बच्चे मिल जाते हैं तो उनके लिए भी छोटे बैग्स हैं मेरे पास जिन पे कुछ कपड़े हैं। तो बस आगे बढ़ते हैं।
नया साल है ना, अच्छा रहेगा बच्चों को, ठंडी भी है। बच्ची है कि बच्चा है ये बोलो। रुको मैं देता हूँ, हाँ देता हूँ, हाँ बेटा देता हूँ। इतना ठंडी में सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हो? ये तुम्हारे लिए बच्ची का, ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर। बेटा मैं देता हूँ, आप इधर आज, इधर आज, रोड पे नहीं। बच्ची कौन है इधर? बच्ची को दे दो, ठीक है। हाँ बेटा, ये आप पहनना शर्ट, ठीक है। अंकल अंकल मुझे दे दो। बच्ची किधर है? ये बच्ची, देता देता सबको देता हूँ। हाँ ये बेटे के लिए, ये बड़ा, ये तो दो जोड़ी है, दोनों को हो जाएगा, ठीक है। एक गुड़िया के लिए, ये बच्ची के लिए, ठीक है। ये लो बेटा, ठीक है। नया साल अच्छा रहे आप सबका, और आऊंगा और लेके आऊंगा, मेरे दोस्तों को भी भेजूंगा, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाह रहा था कि यार इतनी ठंडी में छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको पहनने को कपड़े तक नहीं है। वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि हमको भगवान ने सब कुछ दिया है, तो इन रिटर्न हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है। इस वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं आपको बता सकूँ कि अपनी छोटी छोटी कोशिशें लोगों के लाइफ में खुशियाँ ला सकती है। मतलब हर किसी के लिए हम कर नहीं सकते, लेकिन हर कोई थोड़ा थोड़ा भी करेगा ना, बहुत सारे लोगों की मतलब मदद हो जाएगी, उनके लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। बस करके देखो, एक अलग टाइप की खुशी मिल जाती है। मतलब उन लोगों के चेहरों पे जो खुशी देख के, जो हमको जो खुशी मिलती है, उसको मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि कुछ भी चीज़ यहाँ वहाँ से आप परचेज करके लाओ फिर दो। आप अगर घर पे भी कुछ, आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी है, कपड़े पड़ी है, या डेली लाइफ में जो यूज़ होती है वो चीज़ें भी ला के दे सकते हैं। उन सब चीज़ों से उनकी ज़िंदगी थोड़ी और भी आसान हो जाएगी। आपने देखा बहुत सारे नीडी लोग भी थे, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी लोग भी थे जो एक्चुअल में अपने सिटी को क्लीन रखने के लिए सुबह 5 बजे उठते हैं और कोशिश करते रहते कि अपने सिटी क्लीन रहे। तो उन लोगों के चेहरे पर भी खुशी लाने की मैंने कोशिश की आज नए साल पर। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो शेयर कीजिए, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सो दैट इस वीडियो को देख के अगर 10% लोग भी कोशिश करेंगे और लोगों की मदद करने के लिए, तो मुझे लगेगा कि ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद पूरा हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं बहुत जल्दी। टिल देन कीप स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी, कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। लव यू बेळगाव, लव यू बेळगावी।